ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो आज हम लोग आए हैं स्मोकर कैफ़े, जो कि RPS के पास है, इम्पैक्ट कॉलेज के जस्ट बगल में। ये कैफ़े हम लोग आए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है और यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा सुबह शाम, मतलब काफ़ी शांति रहता है यहाँ पे। इस वजह से हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे काफ़ी शांति है। सो मैं अकेले आया हूँ और इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति रहता है और अकेले आने का मज़ा ही अलग है। ये सब जगह दिखाते हैं आपको, कैफ़े अंदर से और बाहर से कैसा है, और आपको लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिखाते हैं, ये RPS मोर और वहाँ से एंट्री है। और हम अभी ऑर्डर कर चुके हैं बोनलेस और नान, यही है। यहाँ से एंट्री एग्जिट है, यहाँ से आप लोग आइएगा। लोकेशन हम डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आइएगा। यहाँ से डायरेक्ट एंटर कर दिएगा, जस्ट बगल में इम्पैक्ट कॉलेज है और अभी मेट्रो का वहाँ पे काम चल रहा है, बाकी सब सही है। यहीं पे दिखा देते हैं आपको, ऐसा कुछ रहेगा। तो चलते हैं अंदर, यही गेट है एंट्रेंस यहाँ से। ऑर्डर दे चुके हैं, अब थोड़ी देर में आ जाएगा ऑर्डर। ड्राई बोनलेस और प्लेन नान किए ऑर्डर, तो देखते हैं कितना देर में आता है। अभी जस्ट ऑर्डर किया, आई थिंक इन्होंने कहा है कि 10-15 मिनट में आ जाना चाहिए, तो देखते हैं आता है तो आपको वहाँ का दिखाते हैं। सो गाइस, आगे हम नारा प्लेन नान और ड्राई बोनलेस, और इसका प्राइस मैं बता देता हूँ। इसका प्राइस मुझे अभी जस्ट पड़ा है 250 रुपीज़, जस्ट 250 रुपीज़। गाइज़, हम घर पे आ चुके हैं और वहाँ पे वो जो कैफ़े था, मतलब वहाँ से हम लोग आ चुके हैं। वो जो कैफ़े था उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सही कैफ़े था। रीज़न बताते हैं कि हम ऐसे बहुत सारे कैफ़े में जा चुके हैं, बट कभी भी इस कैफ़े जैसा इतना शांति और काफ़ी इतना, मतलब रिलीफ फील नहीं मिला है। तो आप किसी के साथ जाना चाहते हो या अकेले जाना चाहते हो, उसके लिए काफ़ी बेस्ट कैफ़े है ये। हम सजेशन देंगे कि स्मोके कैफ़े बहुत बेस्ट है अगर आपको जाना है तो। ऐसा नहीं है हम कोई प्रमोशन कर रहे हैं किसी जगह का या ये वो, हमको मतलब पर्सनली हमको बहुत अच्छा लगा ये कैफ़े में, तो इस वजह से हम आपको सजेशन दे रहे हैं। अगर पटना में अगर आप हो तो इस कैफ़े में एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा, और काफ़ी अच्छा कैफ़े लगा मेरे को और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल था, तो और क्या चाहिए भाई। और बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, 10 डिग्री हो चुके हैं अभी यहाँ पे ठंड। वहाँ से आए काफ़ी रोड पे बहुत ज़्यादा ठंड था। अगर आप बाहर निकलते हो तो प्लीज़ हाथ में ग्लव्स पहन लेना, ताकि विदाउट ग्लव्स आप जाओगे आपका हाथ काम नहीं करेगा। और जैकेट वगैरह अच्छे से पहन के ही निकलना, ताकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, और बिना जैकेट के निकलोगे तो भाई बेड पर पड़े रहना अच्छे से। और काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।